हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाल ही में तुर्की में 7.8 मैग्नीट्यूड लेवल पर अर्थक्वेक को देखा गया है। मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ। क्लिप दिखाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन भी दबा देना। Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında arama kurtarma ekipleri. तो गाइज, जैसे कि आपने ये क्लिप देखी, आपके माइंड में एक सवाल जरूर उठता होगा कि जो अर्थक्वेक है यानी जो भूकंप है वो आते कैसे है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द जैपनीज मिथोलॉजी, उन लोगों का मानना है कि जो अर्थक्वेक है वो नमाजू की वजह से होता है। एक नमाजू एक जाइंट कैट फिश है, वो अर्थक्वेक को क्रिएट करती है। कब? जब उसको काशिमा यानी द गॉड ऑफ थंडर उसको देख नहीं रही होती है। पर अगर हम लोग बात करते हैं साइंस की, साइंस का अलग मानना है। अकॉर्डिंग टू द साइंस, जो हमारी अर्थ है, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है जिसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, वो 15 से 20 पजल लाइक पीसीस से मिलकर बनती है जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। एंड टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली मोशन में रहती है और जो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो एजेस होते हैं वो काफ़ी रफ होते हैं एंड कभी कभी वो आपस में टकरा जाते हैं। उनके टकराने की वजह से वहाँ पर प्रेशर बन जाता है एंड जब वो प्रेशर रिलीज होता है वो एज अ फॉर्म अर्थक्वेक कोज होता है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि अर्थक्वेक कैसे ओरिजिनेट होता है। सो गाइज, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हो एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।